ये मैं हूँ, ये धर्म दुबे है, ये देसी भारत का स्टूडियो है और यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा लोग है। गॉसिप भी करते हैं, लोग बातें भी करते हैं कि कहीं ना कहीं रानी जो है वो पुरानी हो रही है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहलाने में कि भोजपुरी की मैं इस वक्त इस पीढ़ी की पहली एक्ट्रेस हूँ। आपको पता है जब ये चीजें लोगों को पता चली कि भाई रवि किशन के साथ, तो पहले ही फ्लॉप का पत्ता लोगों ने उस पर स्टैम्प लगा दिया कि रवि जी के साथ रानी। जो दौर मैंने देखा है या जो रवि किशन जी ने देखा है वो दौर ही बिल्कुल अलग है। अगर लोग हमारी फिल्म को फ्लॉप कहते हैं तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपना सेंस थोड़ा चेंज करना चाहिए इसमें। आप किसको देखते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरी रानी चटर्जी? कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ चार लोगों से नहीं चल सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्टरों से चलती है ना कि सुपरस्टार से चलती है। एक बार पवन जी, खेसारी जी, इन सबसे भी पूछ लो ना कि इन्होंने लास्ट किसकी किसकी पिक्चर देखी थी। मुझसे पहले पद्मा जी थी, गौरी खुराना जी थी, मतलब उनके बाद मेरा नाम आता है। आई थिंक मुझे तो लगा था कि मैं 10-5 साल काम करके मेरा टाटा बाय बाय हो जाएगा। नमस्कार, फिर एक बार आपका बहुत स्वागत देसी भारत चैनल पर। हम हैं धर्म दुबे और देखिए हमारे साथ आज हॉट सीट पर कौन बैठी हुई हैं। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भोजपुरी की क्वीन रानी चैटर्जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत एकदम। आप एक तो बहुत खूबसूरत हैं, ऊपर से ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और ब्लैक मेरा फेवरेट भी है, इसलिए आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और मुझे लगता है कि आज का इंटरव्यू कुछ धमाल होने वाला है। मेरा इंटरव्यू अक्सर धमाल होता है, और जब तुम होते हो धर्म तो कमाल ही होता है। कमाल होता है, कमाल होता है, ये अच्छा लगा। रानी जी, हमने देखा कुछ देर पहले आप किसी फिल्म के मुहूर्त पे आई थी, तो अगर शुरुआत उसी से हो जाए कि वो क्या था, कौन सी फिल्म में आप आ रहे हो, क्या किरदार है? तो मेरी नई फिल्म शुरू होने जा रही है, मैं उसमें IPS दुबे के कैरेक्टर में हूँ। IPS दुबे, धर्म दुबे। दुबे जी का किरदार निभाएंगे आप? तो IPS दुबे के कैरेक्टर में हूँ और नो डाउट एक्शन करने वाली हूँ उसमें, और मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए। ओके रानी, इसके अलावा और कौन सी वो फिल्में हैं जिसमें हम आपको देख पा रहेंगे? क्योंकि एकदम सीधी सीधी बात करते हैं, दर्शकों को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, लोग गॉसिप भी करते हैं, लोग बातें भी करते हैं कि कहीं ना कहीं रानी जो है वो पुरानी हो रही हैं। देखिए, पुराने तो सभी हो जाते हैं एक दिन, और जैसे जैसे आप अपने जर्नी को आगे ले जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आप ज़्यादा चीज़ें जानने लगते हैं, तो अगर इस हिसाब से पुरानी हो रही है तो डेफिनेटली। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहलाने में कि भोजपुरी की मैं इस वक्त इस पीढ़ी की पहली एक्ट्रेस हूँ। सो ये तो मेरे लिए प्राउड की बात है, और जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है और मैं अभी तक काम कर रही हूँ, ये मुझे कभी कभी बहुत ही अच्छा फील कराता है। और आने वाले प्रोजेक्ट्स, जैसे भोजपुरी में मेरी 2-3 फिल्में फ्लोर पे हैं अभी। श्रीमान श्रीमती का वर्ल्ड TV प्रीमियर होने वाला है, तो लोग मुझे देखेंगे। श्रीमान श्रीमती में बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, लोगों को बहुत पसंद आएगी। अभी हाल ही में मैंने 2 फिल्में साइन की हैं, एक का टाइटल अभी तक मुझे मेरे पास आया नहीं है, चूँकि आज एक मुहूर्त भी हुआ है, और लखनऊ में भी एक फिल्म का मुहूर्त हुआ था रवि किशन जी के साथ, हिंदुत्व का। सो 2-3 मुहूर्त हुए हैं, और लेकिन अभी मैं फ्लोर पे जा रहा है मेरी फिल्म, नई फिल्म बाबुल की गलियां, रवि किशन के साथ हिंदुत्व। फिर एक बार, मतलब दो दिग्गज एक साथ स्क्रीन पर। आपको पता है जब ये चीज़ें लोगों को पता चली कि भाई रवि किशन के साथ, तो पहले ही फ्लॉप का पत्ता लोगों ने उस पर स्टैम्प लगा दिया कि रवि जी के साथ रानी फिल्म नहीं तो चलेगी। ऐसा किसने लगाया फ्लॉप का पत्ता, कौन है ये लोग? सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हैं, लोग सोशल कहते मीडिया हैं। पे तो मोदी जी के बारे में भी बोलते हैं कि वो बहुत बुरे प्रधानमंत्री हैं, तो ये क्या है? जब तक आप किसी चीज़ को नहीं देखते हैं आप कैसे बोल सकते हैं? और सोशल मीडिया की बातों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। आज की जो ऑडियंस है वो कहानी को ज़्यादा देखती है, कहानी क्या है, फिल्म कैसी है, उस पर ज़्यादा डिपेंड होती है। अब तक कोई चीज़ आई ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि फ्लॉप है? और ये सोशल मीडिया की बातों को मैं कभी इतना सीरियसली। ऐसा कहते हैं कि रवि किशन जी का मार्केट खत्म हो गया है, रानी जी का हो गया है, कोई देखिए मार्केट क्या होता है, क्या होता है मार्केट, कि किसी वक्त में गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है। जैसे मार्केट की बात, आई डोंट नो आज के लोग किस तरह देखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। जब मैंने फिल्में शुरू की थी, या जब रवि किशन जी ने फिल्में शुरू की थी, रवि जी तो बहुत ही सीनियर हैं मुझसे, लेकिन जब मैं अपनी भोजपुरी फिल्म की बात कर रही हूँ, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों का एक मार्केटिंग होता था। मार्केट उसे कहा जाता है कि इस फिल्म, ये फिल्म ने इतनी कमाई की, ये फिल्म इतने में बिकी, इस फिल्म का ऑडियो, ये गाना हिट हुआ, तो वो होती थी मार्केटिंग। अभी तो थिएटर का, तो अभी आप देख ही रहे हैं थिएटर का क्या चल रहा है,
रही बात खेसारी जी की फिल्म हो या पवन जी की फिल्म हो, सलमान खान की फिल्म हो, अभी थिएटर में रिलीज़ नहीं हो रही है, अभी बहुत ही मुश्किल से एकाधुका फिल्में रिलीज़ शुरू हुई हैं, तो मार्केट अब क्या देख रहे हैं? अगर यूट्यूब को देखकर अगर अंदाज़ा लगाते हैं लोग, तो फिर उनको मुझे लगता है कि उन्हें अपने मार्केटिंग सेंस को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि क्या मार्केट होता है। यूट्यूब पे आजकल वो मकबैंस आते हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं उसमें, सिर्फ खाना खा रहे होते हैं बैठ के, उसके व्यूज़ होते हैं 50 लाख, लेकिन कमाई वही है आज, कमाई वही है। लेकिन अगर आप मार्केटिंग लेवल देखेंगे, आप किसको नंबर वन नंबर टू कैसे बताते हैं? आज की डेट में नंबर वन नंबर टू यूट्यूब के ज़रिए हो गया है। बट मैंने जो दौर मैंने देखा है या जो रवि किशन जी ने देखा है, वो दौर ही बिल्कुल अलग है। अगर लोग हमारी फिल्म को फ्लॉप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपना सेंस थोड़ा चेंज करना चाहिए इसमें। अगर अच्छी फिल्म आएगी यूट्यूब पे, फिल्म ने अगर एक दिन में 10 लाख कर लिया, तो ये कौन देखने जा रहा है कि प्रोड्यूसर का पैसा रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है? एटलीस्ट जब हम लोग फिल्म करते थे, तो फिल्म रिलीज़ से पहले ही प्रोड्यूसर काफ़ी रिलीफ में होता था कि चलो फिल्म अच्छे में बिकी है, फिल्म और अच्छी जाएगी तो मुझे और पैसा आएगा। यूट्यूब का आज तक मार्केटिंग कभी आया किसी प्रोड्यूसर ने बोला मैंने यूट्यूब से इतना कमाया, मैंने उतना कमाया? किसी प्रोड्यूसर ने बोला नहीं, बोला ना, पता ही नहीं चलता कौन कितना, पता ही नहीं चलता है। तो आप किस मार्केट की बात कर रहे हैं? किसी प्रोड्यूसर ने आके अभी तक बोला है क्या? पैसे म्यूजिक कंपनीज कमा रही हैं, जो जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं वो कमा रहे हैं। कौन सा प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कहाँ फिल्म एक बनाता है चला जाता है, पता भी नहीं चलता उस बेचारे को। तो आप किस मार्केट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और एक ये भी रिकॉर्ड है जो रानी चटर्जी ने ही बनाया है, भोजपुरी में अभिनेत्रियों की फीस को लेकर बहुत ही ज्यादा जो हाई लेवल की फीस थी, हमने सुना हीरो के बराबर जाकर के फीस लेना शुरू नहीं, हीरो के बराबर की फीस नहीं पहुंची थी मेरी लेकिन हाँ, हीरोज को तो बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते रहे हैं। बट हाँ, हीरोइंस में मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है और मुझे लगता है, मैं चाहती हूँ कि कोई तो उस रिकॉर्ड को तोड़े। बिल्कुल। लेकिन आज आज वो फीस आपको नहीं मिल रही है? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपको कभी बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको बहुत कभी कम मिलता है। लेकिन मैं अभी भी जो फीस लेती हूँ, खैर मैं फीस वगैरह की बातें ऑन कैमरा नहीं बात करती, बट आपने बोला है, तुमने छेड़ा है तो तुम सुनो फीस मेरी अभी भी वही होती है जो आई थिंक बाकियों को मिलती होंगी, उससे दो गुना ज़्यादा ही होती है। बिल्कुल ठीक है, फीस को नहीं छेड़ेंगे हम दे करके। लेकिन एक अहम सवाल आपसे ये ज़रूर होगा कि अगर आप किसको देखते हो भोजपुरी इंडस्ट्री में, दूसरी रानी चटर्जी? किसी को नहीं। दूसरी भोजपुरी क्वीन किसको देखते हो? मैं किसी को भी नहीं देखती, क्योंकि जो फिल्में मेरे पास आती हैं या जो फिल्में मैंने की हैं, उन फिल्मों का कोई सेकंड विकल्प नहीं होता था प्रोड्यूसर के पास कि आपके अगर मैंने मना कर दी तो वो फिल्म वो लोग किसी और के साथ बनाएंगे। तो जब कोई विकल्प नहीं है मेरा, तो फिर मैं दूसरी रानी चटर्जी क्यों? मैं क्योंकि मेरी जर्नी, मेरा काम, मेरा तरीका बहुत अलग रहा है, वैसा तरीका वैसा मैं किसी और में नहीं देखती, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? आज 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 की तारीख में आपकी नज़र में भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस कौन है? बड़ी एक्ट्रेस एज अ फेम, एज अ फेम तो मुझे आम्रपाली भी लगती है, मुझे काजल भी लगती हैं, और एज एन डिफरेंट फेम जिसमें अक्षरा का भी नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि एज अ सिंगर उसने बहुत अच्छा किया है अपने करियर में। बट मैं अक्षरा के लिए कहना चाहूँगी कि मैं उसको, बिकॉज वो आर्टिस्ट है, वो जब आई थी वो आर्टिस्ट थी, अभी भी आर्टिस्ट है, हीरोइन है, मैं उसको और फिल्मों में देखना चाहूँगी कि वो और फिल्मों में नज़र आए। तो अगर फेम वाइज देखा जाए तो सभी मतलब कहने का मतलब ये है कि अक्षरा जी की फिल्में कम हो गई हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है, बट मैं चाहूँगी कि वो फिल्मों में और नज़र आए, ध्यान दे रही हैं। हाँ, जैसे सिंगिंग करियर में वो सिंगिंग, उनके गाने अक्सर सुनने को मिलते हैं, तो मैं, लेकिन अक्षरा की कैपेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है ऑन स्क्रीन, तो मैं चाहूँगी कि वो अपनी फिल्मों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल। रानी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अक्षरा के पास कम फिल्में इस वजह से भी हो गई हैं क्योंकि उनकी पिछली लाइफ में कुछ इस तरह के विवाद भरे रहे हैं जिसमें उनको नुकसान हो रहा है? देखिए, विवाद हर किसी के लाइफ या किसी सुपरस्टार ने दबा दिया है। देखिए, ये घूम फिर के वापस से उसी स्टोरी पे आ जाएगा। मुझे लगता है कि जब किसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है काम करने की, तो उसके लिए काम की कमी किसी इंडस्ट्री में नहीं है।
और उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं। जैसे कि अगर जब मैं अपनी ही फिल्मों पर ही फोकस कर रही थी, तब मैं बहुत फिल्में कर रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा फोकस हटाया और मैंने अपना फोकस कहीं और लगाया, तो जहाँ मैं 8 फिल्में कर रही थी, अभी मैं सिर्फ 2 फिल्में कर रही हूँ। तो बस अक्षरा का यही है कि वो शायद नो डाउट उसको सिंगिंग में बहुत सक्सेस मिली है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करती रहेगी। बट एज एन एक्ट्रेस मैं चाहूँगी कि उसकी फिल्में भी आती रहें, उसको हम परफॉर्म करते हुए देखें। बिल्कुल। और आपने इतनी हीरोइन का नाम लिया, लेकिन और भी बहुत सारे नए नवेली हीरोइन आ रहे हैं, क्या सिर्फ ये 3-4 से ही इंडस्ट्री चल रही है? ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊँ, वो नई नवेली वो कौन सी हीरोइन से सीरियसली मुझे नहीं पता है। बट मैंने और दो आपको नहीं पता है, फिर आप पवन सिंह और खेसारी जी की जो ये फिल्में सारी आ रही हूँ आप नहीं देखते हो? हाँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि थिएटर में फिलहाल फिल्म नहीं लग रही है और यूट्यूब पर मैं नहीं देखती हूँ। ट्रेलर्स में देख लेती हूँ, फिल्में नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मुझे नई एक्ट्रेसेस के बारे में बहुत नहीं पता है। बट मैं एक आध दो नाम और मिस कर रही हूँ, जैसे अंजना सिंह है जो कि मेरी फ्रेंड है, तो उसका भी अपना एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग उसे पसंद करते हैं, वो सबके साथ काम करती है। तो ये जो फेम में है, जो सुपरस्टार्स हैं, जो अब जैसे आप बड़ी हीरोइन बोलते हैं जिन्हें, तो ये 3-4 नाम तो हैं डेफिनेटली बड़ी हीरोइन में, ये 3-4 नाम हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री बहुत छोटी नहीं है भोजपुरी की। लोग कहते हैं हम 4 मिलकर काम कर रहे हैं, हम 4 ही हैं चला रहे हैं, 5वां कोई है नहीं। किसने बोला? ऐसे इतने सारे बयान जो हैं, किसने बोला? नहीं, ये गलत है। कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ 4 लोगों से नहीं चल सकती है। कोई मतलब 5वां का नाम ढूंढा जा रहा था। देखिए, अगर वो फेम वॉइस पकड़ेंगे, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है कि मैं स्टार्स को ही गिनती करके इंडस्ट्री को समेट नहीं लेती है उसमें। ठीक है, स्टार्स अलग होते हैं, एक्टर अलग होते हैं। तो एक्टर तो बहुत है इंडस्ट्री में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस भी बहुत हैं हमारी इंडस्ट्री में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 4 लोगों से इंडस्ट्री चल रही है। वो 4 नहीं थे तभी भी इंडस्ट्री थी, वो 4 नहीं रहेंगे तभी भी इंडस्ट्री रहेगी। मैं हूँ तो मैं इंडस्ट्री चल रही है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं रहूँगी तो भी इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि इंडस्ट्री एक्टरों से चलती है, ना कि सुपरस्टार से चलती हैं। एक्टर रहेंगे, टेक्नीशियंस रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो सबका घर चलेगा और सब बिजी रहेंगे। बिल्कुल। आपने कहा कि आप अभी इस बीच खेसारी जी और पवन जी की फिल्में आप नहीं देखती हैं। देखती नहीं हूँ, देखने का समय नहीं मिल पाता है। क्या करती हो? तुम अलग स्टेटमेंट मत दो तुम। क्या करती हो? मतलब क्या देखती हैं? अगर आपको देखना हो तो मैं ट्रेलर देखती हूँ, पोस्टर्स देखती हूँ, सॉन्ग्स भी कभी कभी देख लेती हूँ, बट पूरी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि सभी बिजी होते हैं। एक बार पवन जी, खेसारी जी, इन सबसे भी पूछ लो ना कि इन्होंने लास्ट किसकी किसकी पिक्चर देखी थी। सभी का यह हाल है आई थिंक ऑलमोस्ट। आम्रपाली से भी पूछ लेना कभी कि लोगों ने लास्ट किसकी फिल्म देखी है हॉल में जाके या यूट्यूब पे बैठ के। बिल्कुल, आपने एकदम मुद्दे वाली बात कही है, क्योंकि आपने सालों से इस इंडस्ट्री को देखा है, 350 फिल्में की हैं। सबसे पुरानी हीरोइनों में यू सेड ना। पुरानी हीरोइन, आई फील लाइक ओके आई एम सीनियर नाउ। तो कैसा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है तो? अच्छा लगता है। मुझसे पहले कोई हीरोइन ही नहीं थी जब मैं आई थी तब। मुझसे पहले पद्मा जी थी, गौरी खुराना जी थी, मतलब उनके बाद मेरा नाम आता है। और आई एम स्टील नाउ, अभी तक मैं कर रही हूँ काम, यू नो। अभी भी अगर गूगल पे भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस का नाम आता है तो आई एम अ फर्स्ट। सो और क्या चाहिए? आई थिंक मुझे तो लगा था कि मैं 10-5 साल काम करके मेरा टाटा बाय बाय हो जाएगा, बट 17 साल होने आए और अभी 18 साल होने जा रहे हैं। सो आई थिंक मुझे तो पार्टी करनी चाहिए। पार्टी हो रही है। ये मैं हूँ, ये धर्म दुबे है, ये देसी भारत का स्टूडियो है और यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। सो यू नो, पार्टी करनी चाहिए मुझे एक्चुअली। रियली यार, मैं क्लैप करूंगा आपके लिए, क्योंकि जैसे आपने मुझे कहा ना कि आप किसको देखती हैं क्वीन, मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं देखती, क्योंकि मैंने बिना किसी सपोर्ट के, नो डाउट ऑडियंस का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स सबका सपोर्ट रहा, लेकिन एक कंधा कभी नहीं रहा मेरा कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो एक जगह है, ऐसा कभी नहीं रहा। सिर्फ बिलीव किया कि मैं अगर अच्छा काम करूंगी, ऑडियंस उसे पसंद करेगी और उस ऑडियंस को देख के प्रोड्यूसर्स मुझे साइन करेंगे। यही एक बात आज तक मैंने उसी को फॉलो किया है और मुझे इन चीज़ों को फॉलो अप करते हुए चलना, मैं किसी और को नहीं देखती।
यू नो सबका अपना तरीका है काम करने का। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, सबका अपना तरीका है, लेकिन जो मेरा तरीका रहा, सेकंड रानी चैटर्जी मैं नहीं देख पाती किसी को भी। आई होप कि आज से 10 साल बाद कोई आएगी। बिल्कुल, और हम तो चाहेंगे कि दूसरी रानी चटर्जी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक ही हमें बहुत प्यारी है, और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वाकई में मुझे नहीं लग पा रहा, मैं किसी को बहुत देख ऐसा देख नहीं पा रहा जो 20 साल कोई एक्ट्रेस बॉलीवुड में 20 साल कोई एक्ट्रेस नहीं चलती है। सबका 5 साल 10 साल का चलता है, लेकिन आज भी आप जो है लीड में कर रही हैं और आगे भी इसी तरीके से बने रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रानी हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों, इसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जाते जाते कैमरा आपका, कुछ चाहें कहना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ बुरे कमेंट्स ना करें, और अपना ख्याल रखिए। COVID-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें। यस, बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार, बाय।